मशहूर उद्योगपति साइरस मिस्त्री की कार दुर्घटना में मौत के मामले में करीब 120 दिन बाद पालघर की कासा पुलिस ने दहनु सत्र न्यायालय में चार्जशीट दायर की है। 152 पन्नों की यह चार्जशीट दाखिल की गई थी और इसमें 5 चश्मदीदों के बयान दर्ज किए गए। इन चश्मदीदों में ड्राइवर अनहिता पंडोल के पति डेरियस पंडोल भी शामिल हैं। चार्जशीट में कहा गया है कि हादसा उस वक्त हुआ जब चालक अनाहिता पडोल गाड़ी को तेज गति से चला रही थी और गलत दिशा में ओवरटेक कर रही थी। साथ ही चार्जशीट में कहा गया है कि दुर्घटना के लिए ड्राइवर अनाहिता पंडोल ही जिम्मेदार हैं और उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। पॉलिटिशियन के एरिया में जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें साइरस मिस्त्री और उनके साथ एक सहप्रवासी उनकी डेथ हुई थी। उसके बारे में पिछले 4 महीने में हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो जो सेक्शंस लगाए हैं उसके बारे में सभी एविडेंस कलेक्ट किए हैं। फॉरेंसिक लैब का रिपोर्ट प्राप्त हुआ है, उसके साथ ही मर्सिडीज बेंज और आरटीओ का रिपोर्ट भी प्राप्त हुआ है। उसी आधार पे ड्राइवर ने जो भी गलतियां की थी, जो भी चार्जेस उनके ऊपर है, वो प्रूव करने के हिसाब से सभी एविडेंस कलेक्ट करके हमने चार्जशीट कल दाखिल किया है।